हेलो एवरीवन दिस इज राजीव हियर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू प्रिंट ऑल द ऑल द इवेंट नंबर्स बिटवीन 1 टू एन सो so, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप देखा था और इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप से एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं ताकि फॉर लूप पे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए राइट उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे और थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करेंगे सो so, आज का हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 1 टू n मतलब एन तो वेरिएबल है तो वेरिएन में नंबर कहां से आएगा यूजर एंटर करेगा यानी सपोज अगर यूजर ने एन में एंटर कर दिया टेन तो तुम्हें क्या करना है तो वन से टेन के बीच में जितने मल्टीपल्स हैं सबको प्रिंट कर देना है मान लो एन में बीच में टू के मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं यूजर एन में जो भी एंटर कर दे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें एन में इनपुट लेना होगा तो इनपुट लेना है तो इम्पोर्ट ऑय लाइन लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे नाउ एक वेरिएबल ले लेते हैं हम आई एन टी एन देन इसके नीचे मैसेज प्रिंट कर देते हैं हमने जहां इनपुट लिया उसके नीचे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहां एक मैसेज देते हैं हम एंटर दी वैल्यू ऑफ एन राइट अब इसके ठीक नीचे हम इनपुट ले लेते हैं सो एन असाइन विथ एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी अब हमें क्या करना है एन में यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा तो वन से उस एन के बीच में टू के सारे मल्टीपल्स को प्रिंट करना है राइट right? तो सपोज अगर यूजर ने एन में एंटर कर दिया फिफ्टीन तो अगर तुम्हें वन से फिफ्टीन के बीच में पता करना है कौन कौन से नंबर टू के मल्टीपल्स हैं तो सबसे पहले तो वन से फिफ्टीन तक सारे नंबर को बारी बारी एक्सेस करना पड़ेगा पहले वन 5, टू 15 तक अगर यूजर ने एंड में सपोज एंट्री कर दिया सिक्सटी एट तो तुम्हें वन से सिक्सटी एट तक यानी 68 से, 68 से कम सिक्सटी सेवन तक हर नंबर को बारी बारी एक्सेस करना पड़ेगा तब तो चेक कर पाओगे कौन कौन सा मल्टीपल है तो ये कैसे करेंगे हम ये करेंगे हम लूप से तो यहां पे हम एक लूप चला देंगे फॉर, और लूप कहां से स्टार्ट होगा वन से क्योंकि हमें वन से एन तक जाना है तो आई एन टी आई या विथ वन कंडीशन दे देंगे आई लेस देन एन अब एन में जो भी नंबर होगा उस एन माइनस वन तक लूप चलेगा याद रखना यहां पे हम इक्वल्स नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या है वन से एन के बीच में करना है एन को नहीं लेना है देन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू को हर बार एक बढ़ाओ अब इससे क्या होगा लूप के अंदर वन से एन तक हर नंबर हमें बारी बारी मिलेगा जैसे मान लो अगर यूजर ने यहां पे एन में एंटर कर दिया सपोज uh, 80 राइट right? तो अब यहां पे फॉर के अंदर हम फर्स्ट टाइम आएंगे तो आई की वैल्यू कितनी होगी वन होगी सेकंड टाइम आएंगे तो आई की वैल्यू कितनी होगी टू ऐसे then then आई की वैल्यू लास्ट में क्या होगी और जब आई की होगी आई प्लस प्लस तो आई में एटी हो गया तो एटी लेस देन कंडीशन फॉल्स बाहर आ जाएगा तो ये हमारा लूप हो गया अब हमें करना क्या है टू के सारे मल्टीपल्स को प्रिंट करना है सो दो तरीका है हमारे पास एक तरीका तो है कि फॉर के अंदर हम इफ का यूज करके कर सकते हैं बट मैंने इफ अभी तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है तो मैं एक दूसरा तरीका यूज करने जा रहा हूं सो so, मैं यहाँ पे आई में वन की जगह टू ले लेता हूं ठीक है क्योंकि वन से एन में कोई भी नंबर यूजर एंटर करे वन से एन के बीच में पहला हमारा इवन नंबर क्या होगा टू ही होगा और तुम्हें पता है कि अगर टू में तुम हर बार दो दो ऐड करते जाओगे तो हर बार इवन नंबर ही आएगा जैसे टू में टू ऐड करो फोर आएगा फिर फोर में टू ऐड करो सिक्स आएगा फिर सिक्स में टू ऐड करो एट आएगा राइट तो यहाँ पे आई प्लस 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 वैल्यू को एक एक बढ़ाता है अब हम दो दो इंक्रीज करेंगे यानी आई प्लस टू राइट right? सो so, अब आई की वैल्यू स्टार्टिंग में टू है टू के बाद जब अपडेशन पे जाएगा तो आई प्लस टू तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा आई में फोर स्टोर हो जाएगा फिर अगली बार फोर प्लस टू आई की वैल्यू सिक्स होगी उसके अगली बार सिक्स प्लस टू एट होगा तो हमें सिंपली यहां पे करना क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहां पे हम क्या प्रिंट कर देंगे आई ये हमारा प्रोग्राम हो गया अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करता हूं, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ये कमेंट में हटा दिया अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे सो जावा सी प्रोग्राम का नाम क्या है हमारे ए बी सी सो ए बी सी डॉट जावा एंटर सो थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है कुछ सेकंड वेट कर लो ओके देन जावा फिर प्रोग्राम का नाम ए बी सी ये देखो यहाँ पे मैसेज आया एंटर द नंबर ये मैसेज इस से आया अब मैं नंबर एंटर करता हूं तो मैं एंटर कर देता हूं टेन तो आउटपुट क्या आना चाहिए टू फोर सिक्स एट ये हमारा आउटपुट आना चाहिए ये देखो आ गया कि नहीं आउटपुट टू फोर सिक्स एट तो हुआ क्या हमने एन में टेन एंटर किया राइट तो आई की वैल्यू टू इनिसन के बाद कंप्यूटर कहां जाएगा कंडीशन पे आई लेस देन एन तो i में 2 है n में 10 है कंडीशन ट्रू हो गया फॉर के अंदर आया i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया यानी 2 फिर आई असाइनविथ आई प्लस टू अपडेशन पे गया तो पहले यहां पे i प्लस टू एक्ट होगा तो i में कितना है 2 है तो 2 प्लस टू फोर हो गया और ये 4 अब i में स्टोर हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में i है असाइनमेंट ऑपरेटर के और i की पुरानी वैल्यू टू रिप्लेस हो जाएगी फोर आ गया फिर कंडीशन चेक करेगा फोर लेस देन टेन कंडीशन ट्रू फिर से फोर के अंदर आएगा इस बार क्या प्रिंट करेगा फोर फिर यहां पे पे जाएगा तो i प्लस टू अब आई में फोर है ना तो फोर प्लस टू कितना हो गया सिक्स और ये कहां जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो i है उसमें और पुरानी वैल्यू फोर रिप्लेस हो जाएगी तो फिर कंडीशन चेक करेगा सिक्स लेस देन इक्वल टू टेन कंडीशन जस्ट वन मिनट हाँ सो सिक्स लेस देन टेन कंडीशन ट्रू फिर अंदर आएगा इस बार क्या प्रिंट करेगा सिक्स इसी तरह एट प्रिंट करेगा और एट के बाद जब यहां पे एट प्लस टू आई की वैल्यू टेन होगी तो टेन लेस देन टेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कंप्यूटर फ़ॉर के बाहर आ जाएगा सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि फ़ॉर से हम वन से एन के बीच में सारे इवेंट नंबर्स को प्रिंट करने का प्रोग्राम कैसे करेंगे सो दिस इज ऑल मैंने सिर्फ प्रोग्राम इसलिए कराया कि तुम्हारा फॉर का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए राइट right? और अब अगले वीडियोस में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूं जो खुद से ट्राई करना ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस हो तो एक क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द मल्टीपल्स ऑल द मल्टीपल्स ऑफ थ्री बिटवीन वन टू एन ठीक है बट सेम प्रोग्राम है बट इन रिवर्स ऑर्डर तुम्हें रिवर्स ऑर्डर में करना है यानी सपोज अगर यूजर ने एन में थर्टी एंटर कर दिया तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें वन से थर्टी तक थ्री के सारे मल्टीपल प्रिंट करने हैं बट रिवर्स ऑर्डर में मतलब पहला बीच में तो थर्टी नहीं होगा याद रखना तो पहला क्या होगा वन से थर्टी के बीच में अब थर्टी की तरफ से स्टार्ट करो तो पहला थ्री का मल्टीपल क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन फिर क्या होगा ट्वेंटी uh, फोर फिर क्या होगा ट्वेंटी वन तो इस तरीके से हम कहां तक आएंगे ट्वेंटी वन देन इस तरीके से हम लास्ट में थ्री तक आएंगे सो यह क्वेश्चन है इसको खुद से ट्राई करना राइट right? और अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताना मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इस जावा सीरीज का आई थिंक ट्वेल्थ या थर्टींथ वीडियो है इससे पहले भी मैंने पूरा बेसिक से सारे वीडियो को पोस्ट किया है फॉर लुक नहीं आता तो जाके वीडियो को देख सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो थैंक यू